लेकिन ब्राह्मणों ने बता रखा था ज्योतिष के अंदर कि जब भी रानी का लड़का होगा तो रानी को वनवास हो जाएगा। रानी कृष्णावती और छोटी रानी ने लड़के नवरत्न को पेटी के अंदर बंद करके दरिया के अंदर बहा दिया, लेकिन रानी फूलकुवार को ब्याहवान हो जाता है, वनवास हो जाता है। चलती चलती दरिया के किनारे चलती चलती एक साधु की कुटिया पर रहने लग जाती है। सजनों, बर्तन साफ करती है और अपना गुजारा करती है। एक रोज का जिक्रा, रानी फूलकुवार कुछ बर्तन का टोकरा लेके ने दरिया पे बर्तन मांजने के लिए जाती है। इधर से वह पेटी आई, आके खोल के देखा कि खोल के संदूक देखी नवरत्न की शान, मां से बेटा प्यार नारा हो तो बाज ले सतान। जब देखा को हो तेरा लड़का है, माथे में चिन्ह नवरत्न नाम छाती के ला लिया, को नाश जागा उनका। ठाके ने सजनो बाबा की कुटिया पे आ जाती है, रहते सहते 12 साल हो जाते हैं। एक रोज का जिक्रा है, मणिलाल सेठ वहीं पे आ जाता है, लड़के नवरत्न को करने लगे। बोला भाई चाल ना क्या वहां ये? बोला ना जी मैं नहीं ना करता। बोला चाल तो बका सका के ना दरिया के अंदर ले जाता है। जब दरिया में बड़ा बोला ना तू भी ना ले। बोला ना भाई मन पानी ठंडा लागे है। बोला ठंडे जल में नहाए तो मेरा ताप भी हो जाए, हाथ जोड़ के पाम लेट जा तो माफ भी हो जाए। बोला भाई मेरे तो खांसी जुखाम हो जाएगा, मैं नहीं नहाऊं। जबरदस्ती करता है मणिलाल सेठ। जब डबोन लग गया ऊपर से आकाशवाणी होती है, को मूर्ख जिस लड़के को तू डबो रहा जैसे बचा लेने तेरे को 9 करोड़ का फायदा होगा। क्या बात सुनी, उल्टा काट लिया मणिलाल सेठ ने। बोला मैं तो मजाक करूंगा तेरे के लिए, तो कल ही मान गया। बाहर लेकर के फिर सोचने लग गया जैसे इसे छोड़ देगा तो रानी को बता देगा। लड़के को लेकर मणिलाल सेठ चीन देश की तरफ में चल देता है, चीन में रहने लग जाते हैं, वहां पर नौकरी करता है लड़का नवरत्न। एक रोज का जकरा सर पर गढ़वा ठाके ने और कुएं पे पानी भरने के लिए जाता है। वहां पर पनिहारी उन लड़के नवरत्न को कहती है कि कौन है के गढ़वे आड़े कौन से तेरे देश नगर का तोलना, कौन है भाई तू? अके मेरा नाम नवरत्न है और मैं तो एक नौकर लाग रहा हूं मणि सेठ के, एक बात के द्वारा एक रागनी के द्वारा। वो लड़का नवरत्न उन पनिहारियों से क्या कहता है क्या बता दिया बोला। का के जीना सर पे गड़वा आवे पसीना, मुझे दुखिया का के जीना सर पे गड़वा आवे पसीना। यो सख्त महीना जेठ का, यो सख्त महीना जेठ का, गेरे सूरत अंगार नीर में मैं पैर दबो
तोरी सो एक तरफ बोल मेरे सोने कैसे रब के जीना सिर पे गढ़वा आवे पसीना यो सख्त महीना जेठ का गेरे सूरज अंगार नीर मम पैर डुबोसू नौकर सोमणी सेठ का यह रोज की कार सी इस पे गढ़वे डोसू के बे बे मैं तो यहां का नौकर हूं मणिलाल सेठ का क्या नाम है भाई के मेरा नौरतन नाम है सजनो जपनी आर्या ने बे बेरा पटेश का नौरतन नाम है राजा की शरत थी जो चीन देश का राजा था जिसकी लड़की का नाम भी नौरतन था नौरतन की जो लड़की थी उसकी ये शर्त थी कि कोई नौरतन नाम का लड़का होगा मैं उसी के साथ में शादी करूं सिपाहियों को भेज के लड़के नौरतन को पकड़ लिया और वहां पे ले जाएगा राजा के पास में के इसका नाम नौरतन है राजा ने लड़की नौरतन के साथ में नौरतन की शादी कर दी लेकिन चलिया जब जहाज में बैठे आपस में बतला हुए एक बात के द्वारा लड़का नौरतन लड़की नौरतन से क्या कहता है क्या बता दिया बता